अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जी बात करेंगे, जैसे कि 25 दिसंबर है, सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर जो है वो एक तरह से मोहम्मद अली जिना जो हमारे पाकिस्तान के फाउंडर हैं उनकी बर्थडे भी मनाई जाती है और खैर क्रिसमस तो होती ही है। तो हम जी बात करेंगे मिस्टर जिना की और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अजहर असलम से। आप पहले भी डॉक्टर साहब को सुनते रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और आपने कई शोज में मुझे बात करते सुना है उनके स्कूल के बारे में, जो वो स्ट्रीट चिल्ड्रन या जो बच्चे स्कूल से बाहर होते हैं आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उनके ऊपर भी काम करते हैं और कई ब्रांचेस हैं उनकी यहाँ पे उन स्कूल्स की, और बड़ा सबने अप्रिशिएट किया था और बड़ा कहा था कि अच्छा तो डॉक्टर साहब ये काम भी करते हैं, वरना तो हम डॉक्टर साहब को सिर्फ यही सुनते थे कि वो कुछ ना कुछ इंडिया के लिए बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम उनसे बात करेंगे और आज के मौजू के हिसाब से, आज के टॉपिक के हिसाब से उनसे सुनना पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने ज्वाइन किया आज, थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम के बाद आपने ज्वाइन किया है और आपके बहुत सारे जो हमारे कई इंडियन हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और इंडियन फॉलोवर्स हैं वो बड़ा आपको ढूंढ रहे थे। जब कोई ऐसा कुछ टॉपिक निकलता है भारत का जिसमें कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा होता है तो कहते हैं किधर है डॉक्टर अजहर, बुलाएं उनको। तो खैर आज हम उनकी बात तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे, मगर आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं मिस्टर जिना का और बिल्कुल उनके ऊपर ही बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? असल में अस्सलाम वालेकुम आरजू, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत आपने इनवाइट किया। आपने इनवाइट ही इतने अरसे बाद मुझे किया, मेरा ख्याल है कि मैंने आपके बहुत से शायकीन को जो आपके फैंस और मद्दा हैं उनको नाराज कर दिया था शायद, इसलिए आपने मुझे इनवाइट करना बंद कर दिया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको बहुत बार इनवाइट किया, आप खुद नहीं आए जी। चले इस पे हम यू नो बाद में बहस कर लेंगे। बात आपने अच्छी मजेदार बात शुरू की कि आज कायद आजम की बर्थडे है, तो उनको उनकी मुनासिबत से प्रोग्राम एडोनसा बड़ा सूटेबल बनता है और जायज बनता है और ठीक बनता है और उसी तरह से होना चाहिए प्रोग्राम। लेकिन साथ जो आपने ये बोला ना कि भारत के बारे बात नहीं करनी, वो फिर हो नहीं सकती क्योंकि जाहिर है मिस्टर जिना की बात होगी तो भारत की बात तो लाजमी होगी। बिल्कुल, और ऊपर से आपने खास तौर पे वो कहते हैं कम से कम जलती में तेल नहीं किया, तो काम तो सुलगाने के लिए मुझे अपने पीछे जसवंत साहब की जो किताब है वो लगाई हुई है। इस बार हम फेवरेट जो जिना साहब के बारे में और उसके बारे में है। खैर एनीवे, आई थिंक कि मेरे हिसाब से जो सबसे मुनासिब बात हमारे लिए होगी ना एजिस्तानी जिसपे हम बहस मुबासा करें या जिसके बारे में हम कोई ऐसी सीर हासिल गुफ्तगू करें कि जिससे कुछ अखज किया जा सके, वो ये है कि जो सबसे बड़ा मसला हम पाकिस्तानी फेस करते हैं कि जी जिना साहब ऐसा पाकिस्तान चाहते थे और जिना का पाकिस्तान क्यों नहीं बन पाया, और ये जो इख्तलाफ है और उनकी स्पीचेस को मुख्तलिफ तरफ से दोनों तरफ से कोट किया जाता है, जो मुलायत पसंद लोग हैं वो उनकी किसी भी तकरीर जिसमें इस्लाम का जिक्र हो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी ये देखें ये तो इस्लाम का जिक्र हो रहा है सारे का सारा, तो ये तो इस्लाम की बेसिस पे बना, तो फिर वो अपनी एक तशरीह करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तावील करते हैं और उसी हिसाब से बात करते हैं। इसी तरह जो हमारे भाई या बहन है जो पाकिस्तानी जो या तो उनको आप प्रोग्रेसिव कह रहे हैं, लिबरल कह रहे हैं, हालांकि लिबरल की डेफिनेशन जो टेक्निकल डेफिनेशन पॉलिटिकल लेक्सिकॉन में अमेरिका में या वेस्ट में समझी जाती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन अगर आप उनको प्रोग्रेसिव कह लें इस लिहाज से कि वो इस
असूल पे फॉर एग्जांपल बुनियाद रखते हैं अपने नजरिए की कि स्टेट और रिलीजन को अलग होना चाहिए, तो उसकी बेस पे फिर वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, जाहिर है जायज तौर पे बनाते हैं, अगर उनको नजर आती है ऐसी कोई चीज जो मजहब की बुनियाद पर जिसको बना के दूसरे इंसानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जो है ना मौजू, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बल्कि इम्पोर्टेंट नहीं है, गलत मैं कह रहा हूँ, ये फंडामेंटल है, ये बुनियाद है, क्योंकि ये पाकिस्तान की बुनियाद है और इस बात को समझने की जरूरत है। क्योंकि जो दोनों ग्रुप इख्तलाफ करते हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद क्या है, वो दोनों ही जायज हैं अपनी जगह पर, क्योंकि जो बजाहिरन नजर आती चीज वो ये है कि हाँ जी कायदे आजम उनके पीछे इकबाल की जो फिलॉसफी थी उसमें इस्लाम का बहुत जिक्र है, इस्लाम का नाम लिया जाता है, नारा लगा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह वगैरह, और उसके बाद भी उनकी तकारीर है, उससे पहले भी उनकी तकारीर है जिसमें सब कुछ है, लेकिन साथ ही साथ में वही कायदे आजम है जो कहते हैं कि ये थियोक्रेसी नहीं होगी, यहाँ पे सब सिटीजन है जो उनसे शहरी वो बराबरी का उनके साथ सलूक किया जाएगा। तो ये जो बजाहिरन तजाद नजर आता है इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है मैं इसी बात पे अगर आज मौजू बनाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये बड़ा बुनियादी कौन सा सवाल है। दोनों को अपनी जगह और दोनों ग्रुप अपनी जगह गलत भी है, उसकी वजह क्या है कि दोनों ग्रुप हैं जो उनसे वो देखिए हर बात को आप एक अपने नजरिए से करते हैं, यानी एक आपका एक वर्ल्ड व्यू होता है जिस पर्सपेक्टिव से खड़े होके आप अपने जिस एंगल से खड़े होके बात करते हैं। दोनों ग्रुप हैं जो उनसे जो मुल्ला हैं हमारे वो भी और जो हमारे प्रोग्रेसिव हैं दोनों, ये दोनों इस्लाम को गलत समझते हैं। मेरे नजदीक दोनों इस्लाम को क्लासिकल वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ रिलीजन जो है, जो क्लासिकी तारीफ रिलीजन की जाती है, मजहब की, मजहब को कहते हैं जिसमें खुदा ऊपर मौजूद है, क्रिएटर के तौर पे उसने नीचे इंसान को बनाया है, चर्च है बहुत बड़ा, वो चर्च है जो उनसा वो इंसानों की जिंदगी को कंट्रोल भी कर रहा है, वो रूल भी कर रहा है। वो जो मजहब है जिसके खिलाफ वेस्ट ने अपने सेकुलर आइडियाज डेवलप किए और अपने सेकुलराइजेशन को डेवलप किया, वो जो मजहब है और वहां से बदलते बदलते अब वो एक एथियस्टिक मौलदाना मटीरियलिज्म पे पहुंच चुके हुए, वो जो मजहब की डेफिनेशन है वो खास मगरबी तारीख में समझने की उसको जरूरत है, उसकी तारीफ है जो सी, वो जो डेफिनेशन है वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन है, वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू की डेफिनेशन है। मुसलमानों ने कभी भी इस्लाम को मजहब के तौर पे नहीं देखा, कुरान के अंदर इस्लाम के लिए मजहब का लफ्ज नहीं आया है बल्कि दीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। दीन होता है एक तरीकाकार, एक जाब्ता है हयात, एक रास्ता, और दीन का लफ्ज है जो उनका वो अदल के लिए भी इस्तेमाल होता है, बैलेंस और तवाजन के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसमें मॉडरेशन होती है, उसमें बर्दाश्त होती है, टॉलरेंस होती है, ये सब दीन की खसूसियात है। उसी के अंदर हर एक इंडिविजुअल इंफरादी इंसान की इंफरादी जिम्मेदारी होती है अपने खुदा पे, कि एक इंफरादी जिम्मेदारी होती है दूसरे इंसानों के साथ, और होता है कि
हकूक उलिबाद और हकूक अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़े क्लियर हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये इस्लाम के अंदर मौजूद है। तो मजहब का लफ्ज है जोन सा, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री दे तो जिसको कहते हैं हनफी, फिकाए जाफरी, शाफी, मालिकी, मजहब का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। मजहब का लफ्ज है जोन सा हमारे नजदीक वो सिर्फ एक खास इंटरप्रिटेशन जो आप तावील करते हैं या शरीयत की असाब से बनाने की कोशिश करते हैं, एक तावील जिस जो भी उसकी बुनियाद होती है उसकी डिटेल्स में जाए बगैर, वो मजहब होता है। वो बेसिकली आपकी जो ज्यूरिस प्रूडेंस, आपकी जो लॉ है, शरिया लॉ, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो उसको आप कह सकते हैं कि ये मजहब है। उसका जो मगरब की तारीफ है मजहब की, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना तारीखी तौर पे कोई ताल्लुक बनता है, ना उसका कोई हमारी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के अंदर इस किस्म की कोई भी तारीफ मौजूद है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। अच्छा, लेकिन जो हमारे प्रोग्रेसिव्स हैं और जो हमारे मुल्ला हैं दोनों, और मैं प्रोग्रेसिव्स को तो इतना इल्जाम नहीं दूंगा, अगर मॉडर्निस्ट मुसलमान हैं, प्रोग्रेसिव हैं, चलो वो दुनिया को एक नुक्ता नजर से देखते हैं, जो दुनिया में वर्ल्ड व्यू है जो उनसा जो डोमिनेट करता है उससे थोड़ा सा मुतासिर भी हैं, हम भी मुतासिर हैं, जाहिर है जो रियलिटी है लाइफ की उससे मुतासिर इंसान होता है। लेकिन जो हमारे जिनको हम कहते हैं ना मजहबी आलम, अब आलम होता है जो इल्म रखता हो, और इल्म है जो सा उसकी हैसियत है जो सा वो इतनी ज्यादा है कि ये इल्म था जिसकी बुनियाद पे कुरान पाक के अंदर लिखा है कि फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, क्योंकि पहले अल्लाह ताला ने उस वाक्य के अंदर बड़ी क्लियरली कुरान के अंदर आया कि पहले अल्लाह ताला ने उनको आदम को तमाम चीजों का इस्म दिया, यानी आइडेंटिटी दी, इल्म दिया, तारीफ तमाम चीजों का, ठीक है, उसकी एक अपनी अहमियत है। इसका मतलब यह है कि बनी बनी आदम के तौर पे, हर इंसानों के तौर पे हर नॉलेज को लेना हम पे एक फर्ज बन गया, हर नॉलेज हमें मिलना चाहिए, और अगर हम आपको इस्तेमाल करें तो हमें मिले, और जो जो दिमाग नॉलेज बढ़ेगा हमारा, हमारी अकल खुलेगी, शऊर खुलेगा, हमारा दिमाग खुलेगा, उस इल्म की बुनियाद पे एडवांस सजदा करने को कहा गया। बदकिस्मती से जो हमारे आलिम हैं और उलमाए कराम कहते हैं, चलो इज्जत के तौर पे, अखलाकियात के तौर पे कह दें, लेकिन उनके अंदर कोई करीमियत नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसी, बहुत ही कम ऐसे हैं, और खास तौर पे जो सियासी तौर पे एक्टिव जमाते हैं उन्होंने इस्लाम को एक तंग नजर इस्तबदादी किस्म की मजहबी शक्ल दे दी है। और ये जो इस्लामिक मूवमेंट्स जिनकी आप तारीख देखें पोस्ट इंडिपेंडेंस, और उसमें मौदूदी साहब का एक बड़ा किरदार है, मतलब उनकी एक सोच है जिसकी जिससे आप मुझे तो बेतहाशा इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल उनका एक बहुत बड़ा किरदार है, सोच है उनकी, बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका। लेकिन अगर आप उनकी सोच को बगौर पढ़े तो वो इंतहाई सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट किस्म की सोच है, उन्होंने इस्लाम को कम्युनिज्म बना दिया, मतलब चले थे इस्लाम को बिल्कुल मुख्तलिफ उसकी रीइंटरप्रिटेशन करने, लेकिन उन्होंने उसको जो कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट निजाम था उसके अगेंस्ट जो मौजूद था मगरब में सेक्युलरिज्म का निजाम बना दिया। तो इन लोगों ने मजहब को एक तंग नजर इस्तबदादी किस्म की कुव्वत बना दिया है, जिसमें उसके बाद फिर वॉर ऑन टेररिज्म आ जाती है, इधर
फंडिंग आ जाती है, वेस्ट की तरफ से बहुत फंडिंग है जो इन्हीं नजरियात को उभारती है, और वो खुश होकर उभारते हैं इन चीजों को, क्योंकि ये वो स्ट्रॉ मैन है जिसके अगेंस्ट वॉर ऑन टेररिज्म लड़ी जा रही है, और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म कभी भी ये नहीं चाहता कि वो इस्लाम जिसको कम से कम मैं समझता हूँ प्रॉफिट मोहम्मद का इस्लाम, और जिसकी मैं भी आपको मिसालें देके सुनाऊंगा, और जिसके लिए पाकिस्तान बनना, और जिस इस्लाम का जिक्र कायद आजम करते थे और मोहम्मद अली जिना करते थे, वो इस्लाम वो है जोन सा, वो बिल्कुल दब के रह गया, वो कहीं चला गया, वो दफन हो गया। क्योंकि बेसिकली बड़ी मुख्तसर सी बात यह है कि 70 साल पहले जिस चीज को आप इस्लाम कहते थे, जो एक आइडियोलॉजी थी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, जो आजादी चाहती थी, जो इंसानी आजादी चाहती थी, जो टिरनी के अगेंस्ट थी, वो सारी गुम हो गई, वो सारी चली गई, और उसकी जगह ले ली ये तंग नजर मुलायत ने। आपको पता है, देखो मसलन चंद चीजें बताऊं, अब मैं अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को जरा साबित भी करना चाहता हूं, और आई एम सॉरी मुझे थोड़ा सा आपको यहां से कुछ सुनानी पड़ेंगी चीजें, ताकि मैं इसको बता सकूं कि ये वाकई ये मतलब ये जो बात की जा रही है ये कितनी दुरुस्त है। और एजोंसा, तो सिर्फ एक चीज मुश्तरक है हमारे जो प्रोग्रेसिव्स हैं और जो हमारे मुल्ला हैं, कि दोनों इस्लाम को उस एकता मजहब के तौर पर देखते हैं, और इसमें प्रोग्रेसिव्स का कसूर नहीं है, इसमें मुल्ला का कसूर है, इसमें उन उलमा का कसूर है जिन्होंने अल्लाह के दीन को, जो एक यूनिवर्सल दीन है, जो ऑल दीन है, ठीक है, उसको उन्होंने एक तंग नजर नजरिया और बना दिया है, जिसके अंदर से वो इब्ने इंशा साहब की किताब है ना, उर्दू की आखिरी किताब, उसके अंदर एक छोटा सा उनके मजाहिया बुक है, उसके अंदर एक दायरा बना हुआ है, और उसकी उन्होंने मिसाल दी है दायरा क्या होता है, तो साथ मिसाल दी है ये दायरा इस्लाम है, और पहले इसमें लोग दाखिल होते थे, आजकल उनको इससे निकाला जाता है दायरा इस्लाम से। तो ये जो रिवाज पड़ गया है, जिसको एजोंसा हमारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ने बड़ी इसमें आग लगाई है, खैर एनीवे, तो लेट्स गो टू बैक टू से कि प्रोग्रेसिव्स कहते हैं कि जी इस्लाम है, कायद आजम ने कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, वर्शिप किया, ठीक है, ये बिल्कुल बात ठीक है, 100% दुरुस्त है, लेकिन ये इस्लाम के अगेंस्ट कैसे है? ये तो इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि आप पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड आके देखते हैं जब, और वो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है मिसाके मदीना, ठीक है, मिसाके मदीना का जो लेट मी एक्चुअली कोट यू एग्जैक्ट आर्टिकल, ताकि मैं आपको गलत बात ना बताऊं उसके बारे में। मिसाके मदीना के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर, अब मैं आपको कायदे आजम की जो 11 अगस्त की तकरीर है में और मिसाके मदीना के दरमियान जो मुताबकत बनती है वो बताने लगा हूं। पहले तो उन्होंने क्या कहा कि जी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है, फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट है, मदीना मिसाके मदीना जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जिनके नाम पर ये सब कत्लो गारत होता है, हालांकि वो सबको माफ करते थे, वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, लेकिन उनके नाम पे कत्लो गारत किया जाता है, अस्तग़फिरुल्लाह। वो जो इकबाल ने कहा था ना कि किसे खबर थी कि जहां में लेके चराग मुस्तफ़वी आग लगाती फिरेगी भूलहबी, तो ये जो भूलहब अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने कब्जा कर लिया इस्लाम पे और आग लगाते फिर रहे,
ये चीज को भूल गए कि उस मिसाक मदीना में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा था, चार्टर नंबर 13 क्लॉज 16 ए और क्लॉज 36 बी, इसके अंदर क्लियरली लिखा है कि ज्यूज ऑफ द मदीना और इवन मुशरकीन है मदीना है जो उनसे, ये एक कम्युनिटी है, यानी वो जो छोटी सी स्टेट है वो उसके अंदर एक कम्युनिटी है और उन सब की एक पे हेल्प करना है जो उनसा एक दूसरे का फर्ज बनता है। ठीक है, उसके बाद एक तकरीर, एक गिला मुझे है अपने प्रोग्रेसिव दोस्तों से कि वो ये फ्री टू टेल वाली बात बहुत ज्यादा करते हैं जो छोटी सी है और कायद आजम की तकरीर में बहुत बाद में आई है। उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है और जो पाकिस्तान की उसकी जड़ है वो है करप्शन, ब्राइबरी, नेपोटिज्म। आदिलाजम ने जस्टिस और नेपोटिज्म के बारे में कम 3 पैराग्राफ उस तकरीर में बोले और बहुत शुरू में बोले, और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के अंदर ये आदत करप्शन की बहुत है और ये है जो उनसा ये वो एक ऐसी नेपोटिज्म की और ब्राइबरी की आदत है जिसको हमें हर हाल में पाकिस्तान को कामयाब बनाने के लिए खत्म करना होगा। लेकिन डॉक्टर अजहर, मदीना की जो क्लॉज डॉक्टर अजहर नंबर एक सेकेंड, 13, मुझे जी मुझे मुझे ये देखिए मुझे एक सेकंड आप मुझे मुझे एक सेकंड जरा ये अपना एक पॉइंट पहले दोनों की मुकद पूरी बता लेने दीजिए, फिर आप मुझे सवाल। ठीक है, इसी तरह जस्टिस और पब्लिक वेलफेयर सिस्टम के बारे में कायद आजम ने अपनी 11 अगस्त की तकरीर में बोला, क्लॉज 13 क्लॉज 11 है जो उनसी वो क्लियरली मिसाक मदीना की उसमें लिखा हुआ है ये इन चीजों के बारे में कि कैसे जो उनसे ये मामला तय किए जाएंगे एक स्टेट के। ठीक है, इसी तरह राइट्स एंड ड्यूटीज के बाद कायदे आजम ने कहा कि एवरी वन ऑफ यू नो मैटर व्हाट कलर क्रीड कास्ट इज सिटीजन ऑफ दिस स्टेट। ठीक है जी, तो मदीना का चार्टर मिसाके मदीना का क्लॉज नंबर 15 में लिखा हुआ है कि जो भी अल्लाह के नाम पर प्रोटेक्शन दी जाएगी, जो खास तौर पे वीकेस्ट को दी जाएगी, ये सब के सब हैं जो उस प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं, और जितने ज्यूज हैं वो एक कम्युनिटी बनती है और सारे ग्रुप एक दूसरे की मदद करेंगे, और कोई बंदा है जो उनसा वो अकेला नहीं जाएगा अनलेस के उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा, अनलेस उसने कोई क्राइम कमिट किया हो। ठीक है, फिर कायदे आजम ने इस तकरीर के अंदर बोला कि भाई यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ स्पिरिट मेजोरिटीज को, मुसलमान कम्युनिटी माइनॉरिटीज को, जिसमें सब लोगों को इकट्ठे काम करना चाहिए, पठानी है, शिया सुन्नी है, इसी तरह बंगालीज हैं, खत्रीज हैं, ब्राह्मण हैं, इन सारों को वैनिश हो जाना चाहिए। तो मदीना चार्टर की जो क्लॉज 37 है उसके अंदर बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि ज्यूज और मुसलमान कैसे एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी के तौर पे रहेंगे और काम करेंगे। अच्छा, फिर आ गई आपकी रिलीजियस फ्रीडम, जो पॉइंट जिसको बार बार हमारे सेकुलर दोस्त हैं जो उनसे बहुत जिक्र करते हैं, और ठीक अच्छा करते हैं अगर करते हैं। ठीक है, क्योंकि आजादी है जो उनसी बिलीफ की वो तो कुरान से शुरू होती है। सबसे पहले आपकी जो सूरह दोस्त, जैसे हम मुसलमान के तौर पे हम कहते हैं कि जी ग्रेटेस्ट वर्स ऑफ कुरान है जो उनसी वो है आयतुल कुर्सी। ठीक है ना, आयतुल कुर्सी को ग्रेटेस्ट वर्स ऑफ कुरान कहा जाता है, और हम पढ़ते हैं और हम उसको चैन में बांधते हैं और लटकाते हैं और सब कुछ करते हैं, और कहते हैं जी वो मेरी बेटियां मजाक में कह रही थी कि मुसलमान जो है वो हॉरर मूवीज नहीं बना सकते क्योंकि एक आयतुल कुर्सी पढ़े तो हॉरर खलास। तो आयतुल कुर्सी आप देखें, आयतुल कुर्सी जिसमें अल्लाह ताला इंसानों को कहता है कि भाई सब इख्तियार मेरे पास है,
सब जजमेंट मेरे पास है, उसके फौरन बाद जो आयत है, जो सबसे मशहूर आयत है कुरान की दीन के बारे में, के ला इकराहा फिद दीन, यानी ना सिर्फ ये कि दीन में कोई जबर है जो उनसा, वो नहीं कहा, अल्लाह ने पहले अपनी पूरी अथॉरिटी को अनाउंस किया, उसके बाद कहा है ला इकराहा फिद दीन, ठीक है। सूरा मायदे की वो सेकंड लास्ट सूरत है, सेकंड लास्ट सूरत है, रसूल पाक की वफात से बिल्कुल कुछ अरसा पहले वो उतरी थी। उसकी जो आयत नंबर 48 है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर हम चाहते तो तुम सबको एक कम्युनिटी बना देते, ठीक है, तुम सबको अपनी अपनी शरीयत, अपना अपना लॉ दिया गया है, लिहाजा अच्छे कामों में एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने की कोशिश करो, एक दिन तुम सब वापस मेरे पास आओगे, जिसको हम योम आखिरत कहते हैं, और मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं जजमेंट करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये जो हमारे छोटे छोटे खुदा हैं बने बैठे, ये इन चीजों को भूल जाते हैं। ये वो इस्लाम था जिसको कायदे आजम इस्लाम समझते थे, जिसको अलामा इकबाल एजोन साहब वो इस्लाम समझते थे, जो एक इंक्लूसिव इस्लाम था, ठीक है। लेकिन एक सेकंड डॉक्टर जर, जो मदीना का चार्टर नंबर वन, चार्टर की क्लॉज नंबर वन, क्लॉज नंबर टू, इसमें बड़ी क्लियरली लिखा गया है कि ये मुसलमान जो यसरब के हैं और जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, ये एक कम्युनिटी है और ये सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी है आउटसाइड लोगों के की निस्बत। क्लॉज नंबर 35, क्लॉज नंबर 43, जिसमें दूसरे नॉन मुस्लिम्स के राइट्स और उनकी रिकंसिलिएशन, उनका आपस का पीस और उनका, सो ये जो बात जो इस्लाम कायदे आजम ने सीखा था, जो इस्लाम 60-70 साल पहले जिसको जिसकी बेसिस पे कहा जाता था कि इस्लाम है जो सा वो मजहब है, वो दीन है जिसकी बेसिस पे ये पाकिस्तान बना था, वो इस बेसिस पे बना था कि वो जो इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म का सिस्टम है, जो आके टिरेनिकली दूसरों के ऊपर कर्जमाता है, उनको लूटता सूटता है, यानी इंडिया से 45 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब ब्रिटेन ने लूटा ओवर 90 ईयर्स ऑफ इट्स रूल, ठीक है, 45 ट्रिलियन डॉलर्स, इमेजिन दैट। जब बंगाल में कहर पड़ा हुआ था 43 में, तो वीट एजोन साहब वो ब्रिटेन जा रही थी, ठीक है। तो ये वो जो इस्तबदाद था, वो जो जुल्म हो रहा था, ये उसके अगेंस्ट इस्लाम था, उसका जिक्र हो रहा था। और आपको पता है इस्लाम इसीलिए जिना ने बार बार बोला कि भाई थियोक्रेसी नहीं होगी, थियोक्रेसी है जो वो होती है मुल्ला की हुकूमत, उसका इस्लाम में कोई चर्च नहीं है, इस्लाम में किसी, मतलब आप उठ के इस्लाम को पढ़ के इस्लाम बन सकती हैं, ओपिनियन दे सकती हैं, मुफस्सर बन सकती हैं, फकीह बन सकती हैं, मुहद्दस बन सकती हैं, इकोनॉमिक्स इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे लिख सकती हैं, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम पे लिख सकती हैं, मैं लिख सकता हूँ ए बी सी डी, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ उनके रिलीजन के, रिगार्डलेस ऑफ इवन इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम्स, रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट के उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका कलर क्या है, उसके रिगार्डलेस वो एजोन साहब मुस्लिम आलम और आलम के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। और ये ट्रेडिशनली जितने मुस्लिम आलिम रहे, जिनके बड़े बड़े लोग जिनका आप नाम ले, यानी से इमाम गजाली की एग्जांपल ले लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल उलमा, या जितने आपके पांच बड़े फकीह हैं जिनके नाम पे फिका के स्कूल्स बने हुए, इनमें से कोई भी कोई सिल्वर स्पून लेके नहीं पैदा हुआ, ये कोई ट्रेडर था तो कोई काम करते थे अपने अपने, और उसके साथ ये इल्म का काम भी करते थे, इनमें से किसी का भी ये बाजारी पेशा नहीं था,
जैसा कि हमारे मुल्लाहों का बेजबाजारी पेश है, फिर आपके कुछ दोस्तों को एतराज होता है, सॉरी टू से, लेकिन वो